Now, in this lecture, we will learn or clear our some points. Number one is statement. Let us, as we know, simple statements are denoted by small letters like P, Q, R, S, etc. Then that letters are called as statement letters. जैसे कि हम पिछली एक्सरसाइज में और उससे पहले हमने पढ़ा कि सिंपल स्टेटमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, देयरफॉर दैट स्मॉल लेटर्स आर कॉल्ड एज स्टेटमेंट लेटर्स. नंबर टू, स्टेटमेंट पैटर्न. Proper combination of simple statements and connectives is called as statement pattern. That means systematic ordered arrangement of simple statements and connectives are called as statement pattern. For example, negation of P, disjunction with Q implies and implied by negation of P, conjunction Q, and whole implies R. जैसा कि हमने देखा, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कनेक्टिव्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न. दैट मीन्स सिस्टमेटिक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट दैट वी वांट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट पैटर्न. सिस्टमेटिक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जैसा हम चाहते हैं उस सिंपल स्टेटमेंट्स और कनेक्टिव्स का, उसको हमने प्रॉपर तरीके से बता दिया. तो जी ये कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म होगा, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट पैटर्न. जैसा कि हम यहां चाहते हैं निगेशन ऑफ पी फर्स्ट स्टेप में करें, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में उसका क्यू के साथ डिसजंक्शन करें, फिर हम चाहते हैं कि पी का कंजंक्शन क्यू के साथ हो, फिर हम चाहते हैं उसका निगेशन हो, फिर हम चाहते हैं इन दोनों का डबल इंप्लीकेशन हो, फिर हम चाहते हैं इस आने वाले कंपाउंड स्टेटमेंट का इंप्लीकेशन हो आर के साथ. तो हमने प्रॉपर तरीके से उसको ब्रैकेट्स वगैरह लगा के हमने डिनोट किया है. Therefore, ये कंपाउंड स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट पैटर्न. हम यहां सेकेंड एग्जाम्पल भी लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, निगेशन ऑफ निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू. इसको अगर हम फर्स्ट स्टेप में ऐसा करना चाहते हैं, इस कंपाउंड स्टेटमेंट में को फॉर्म करने के लिए पहले निगेशन ऑफ पी लेना चाहते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में उसको क्यू के साथ डिसजंक्शन करना चाहते हैं, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हम इसे इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन लेना चाहते हैं. इस तरीके से अगर हम काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से उसे डिनोट किया हमने इस कॉम्बिनेशन को, ये भी क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट पैटर्न. हम इसी कंपाउंड स्टेटमेंट को अगर इस तरीके से करना चाहते हैं कि पहले पी का डिसजंक्शन क्यू के साथ लेना चाहते हैं, फिर उसके बाद उसका निगेशन लेना चाहते हैं, फिर उसके बाद
इसका फिर निगेशन लेना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से इस कंपाउंड स्टेटमेंट को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। देयरफॉर ये भी प्रॉपर कॉम्बिनेशन है सिंपल स्टेटमेंट पी क्यू और कनेक्टिव्स का, देयरफॉर ये भी क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट पैटर्न। इसी तरीके से अगर हम चाहें निगेशन ऑफ पी पहले करें, फिर उसका निगेशन करें, फिर उसका डिसजंक्शन क्यू के साथ करें, तो इस तरीके से भी हम उसे डिनोट कर सकते हैं। यह भी क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट पैटर्न, क्योंकि यह प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। हम देख रहे हैं यहां हर कॉम्बिनेशन में हमारे चाहत अलग अलग है, हम यहां कुछ और चाह रहे हैं करना, यहां कुछ और चाह रहे करना, यहां कुछ और चाह रहे करना, यहां सिंपल स्टेटमेंट डिफरेंट, वही सिंपल स्टेटमेंट हर जगह है और वही कनेक्टिव्स हर जगह, लेकिन स्टेटमेंट पैटर्न सबका अलग अलग है। तो हम प्रॉपर कॉम्बिनेशन से अगर उस कनेक्टिव्स और सिंपल स्टेटमेंट को, यानी उस कंपाउंड स्टेटमेंट को अगर हम प्रॉपर तरीके से बताएं, तो वो स्टेटमेंट पैटर्न कहलाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट पैटर्न है इस कंपाउंड स्टेटमेंट का। तो स्टेटमेंट पैटर्न को हम ये भी नोट कर लें कि स्टेटमेंट पैटर्नों को हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। पूरे स्टेटमेंट पैटर्नों को हम इस स्टेटमेंट पैटर्न को नाम कैपिटल ए दे सकते हैं, कैपिटल आर दे सकते हैं। स्टेटमेंट पैटर्न है तो इसको जनरली हम एस से डिनोट करते हैं। अगर दो स्टेटमेंट पैटर्न है तो एक को कैपिटल एस वन तो दूसरे को कैपिटल एस टू से डिनोट करते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट पैटर्न में एक बात यह भी नोट कर लें कि स्टेटमेंट पैटर्न में जो सिंपल स्टेटमेंट यूज हो रहा है, ये सिंपल स्टेटमेंट, इसको कहा जाता है प्राइम कंपोनेंट। स्टेटमेंट पैटर्न कुछ और नहीं होता, वो भी कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट को ही हम स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं, बस यहां प्रॉपर तरीके से उसको डिनोट किया जाता है और उसमें जो सिंपल स्टेटमेंट यूज हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कंपोनेंट। यानी यहां पे P एक प्राइम कंपोनेंट है, Q भी एक प्राइम कंपोनेंट है। तो P और Q यहां प्राइम कंपोनेंट्स हैं, बाकी सब कनेक्टिव्स उनके साथ यूज हुए। इसी के साथ स्टेटमेंट पैटर्न में एक बात ये भी नोट करने वाली है कि स्टेटमेंट पैटर्न उसको हम उसके अंदर जो कनेक्टिव्स यूज हुए, अगर उस कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर कई कनेक्टिव्स यूज हुए और उसको ब्रैकेट लगा के डिनोट नहीं किया गया कि पहले आपको क्या करने है, फिर क्या करने है, फिर क्या करने है, स्टेप वाइज ब्रैकेट लगा के डिनोट नहीं किया गया, तो हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी हमको जानना जरूरी है कि हम उसे किस तरीके से डील करें, कौन सा ऑपरेशन पहले करें, कौन सा कनेक्टिव पहले लें, फिर कौन सा ऑपरेशन और कौन सा कनेक्टिव बाद में लें। तो ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी भी नोट कर लें कि ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी क्या रहेगी। ये ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी नोट करें, पहले हम निगेशन करेंगे, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है इस तरीके से डिनोट किया गया कंपाउंड स्टेटमेंट को, तो पहले हम निगेशन लेंगे। सिंपल स्टेटमेंट प्राइम स्टेटमेंट का निगेशन है तो पहले निगेशन लेंगे, फिर निगेशन लेने के बाद उसका डिसजंक्शन करेंगे, डिसजंक्शन करने के बाद उसका कंजंक्शन करेंगे अगर कंजंक्शन है तो, और कंजंक्शन के बाद अगर इंप्लीकेशन है तो पहले इंप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, अगर इंप्लीकेशन के बाद डबल इंप्लीकेशन है तब डबल इंप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। यानी उस कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर ये कनेक्टिव्स, कई कनेक्टिव्स एक साथ आए हुए, तो सबसे पहले जो है हमको तरजीह देना होगा निगेशन को, प्रियोरिटी देना होगा निगेशन को। निगेशन के बाद देखना रहेगा कि क्या जो है डिसजंक्शन है, क्या डिसजंक्शन हो रहा है, क्या यानी और है, क्या तो और हो रहा है, और है कनेक्टिव और है, यानी डिसजंक्शन हो रहा है तब
डिसजंक्शन करना है। फिर उसके बाद कनेक्टिव आयन है क्या, अगर कनेक्टिव आयन है तो कंजंक्शन हो रहा है जिनका, उस कंजंक्शन को करना है। फिर उसके बाद हमको देखना है इफ देन है क्या, इंप्लीकेशन हो रहा है तो इंप्लीकेशन करना है। फिर उसके बाद हमको देखना है इफ एंड ओनली इफ है क्या, अगर इफ एंड ओनली इफ है यानी उसका डबल इंप्लीकेशन हो रहा है, तब आखिरी में सबसे लास्ट में डबल इंप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। इस तरतीब को फॉलो करेंगे अगर वहां ब्रैकेट मेंशन नहीं किए। अगर ब्रैकेट के अंदर भी एक से ज्यादा कनेक्टिव है तो भी ब्रैकेट के अंदर इस प्रायोरिटी को ध्यान में रखना है कि इस तरतीब में ही, इस ऑर्डर के मुताबिक ही हमको कनेक्टिव्स को सॉल्व करना रहेगा। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के बाद थर्ड है हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस। टू स्टेटमेंट पैटर्न्स, फॉर एग्जाम्पल ए बी आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट इफ ट्रुथ टेबल देयर ट्रुथ टेबल आर आइडेंटिकल। दो स्टेटमेंट पैटर्न ए और बी को उस वक्त इक्विवेलेंट बोलेंगे जब उनका ट्रूथ टेबल आइडेंटिकल होगा। और उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे ए इज इक्वेलेंट टू बी। दैट मीन्स इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ देयर प्राइम कंपोनेंट both the statement pattern are identical and their truth values are same, then that statement patterns are called as equivalent of each other. That means a ka equivalent b kehlayega, b ka equivalent a kehlayega, yani dono ke darmiyan equivalence ka relation hoga aur usko us relation ko hum is tarike se denote karenge A is equivalence with B. For example, negation of P disjunction Q. ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है, प्राइम कंपोनेंट पी क्यू का ये स्टेटमेंट पैटर्न है। स्टेटमेंट पैटर्न को प्रोपोजिशन भी कहा जाता है, प्रोपोजिशन। ये किस प्रोपोजिशन है, सेकंड प्रोपोजिशन है जो इसका इक्विवेलेंट है वह है पी इंप्लाइज क्यू। ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स, दैट मीन्स दोनों प्रोपोजिशंस, दैट मीन्स दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। हम तब बोल सकते हैं जब उनका ट्रुथ टेबल बनाए हम। उनके प्राइम कंपोनेंट्स, दोनों स्टेटमेंट पैटर्न में प्राइम कंपोनेंट्स क्या क्या है, पी क्यू, उनका जॉइंट ट्रूथ टेबल हम बना रहे हैं और दोनों कॉलम की एंट्रीज को हम चेक करेंगे कि वो आइडेंटिकल है कि नहीं है, उनके ट्रूथ वैल्यूज आइडेंटिकल है कि नहीं है। इन ऑल प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ देयर प्राइम कंपोनेंट्स, अब प्राइम कंपोनेंट की प्रॉपर कॉम्बिनेशन और जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ पी इज ट्रू एंड क्यू इज ऑल्सो ट्रू, इफ पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स, इफ पी इज फॉल्स क्यू इज ट्रू, इफ बोथ आर फॉल्स। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, प्राइम कंपोनेंट के ट्रूथ वैल्यूज के कॉम्बिनेशन की यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं होता। हो सकता है दोनों ट्रू, हो सकता है पी ट्रू हो क्यू फॉल्स, हो सकता है क्यू और जो है वो ट्रू और पी फॉल्स हो, और हो सकता है दोनों फॉल्स हो। इस
स्टेटमेंट पैटर्न में पहले निगेशन होगा, निगेशन ऑफ पी, फिर उसके बाद निगेशन ऑफ पी का डिसजंक्शन होगा क्यू के साथ। हमने देखा प्रायोरिटी के हिसाब से यहां कोई जो है ब्रैकेट नहीं लगाए, तो हम प्रायोरिटी के हिसाब से चलेंगे, पहले निगेशन लेंगे बाद में हम डिसजंक्शन करेंगे। ये स्टेटमेंट पैटर्न तैयार हो गया। इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट पैटर्न है पी क्यू का इंप्लीकेशन है पी इंप्लाइज क्यू। निगेशन ऑफ पी, पी का निगेशन टी का निगेशन एफ, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी। निगेशन ऑफ पी का डिसजंक्शन करना है क्यू के साथ, ये निगेशन ऑफ पी है, ये क्यू है, इन दोनों कॉलम्स का हमको डिसजंक्शन करना है। अगर हम इसको कॉलम नंबर दे दें, ये कॉलम नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये कॉलम नंबर फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो हम देख रहे हैं निगेशन ऑफ पी का डिसजंक्शन क्यू के साथ है। निगेशन ऑफ पी थर्ड कॉलम में, क्यू जो है वो आपका सेकंड कॉलम में, इन दोनों कॉलम्स का डिसजंक्शन करना है और के साथ उन्हें कनेक्ट करना है। और हमें मालूम है डिसजंक्शन में हमने पढ़ा है कि डिसजंक्शन में मैंने कहा था एक ही चीज मेमोराइज करना है, डिसजंक्शन में जब दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, दोनों प्राइम कंपोनेंट की ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स रही तो डिसजंक्शन फॉल्स होता है, दोनों फॉल्स नहीं है देयरफॉर ये फॉल्स नहीं है ट्रू रहेगा, दोनों फॉल्स है देयरफॉर ये फॉल्स रहेगा, दोनों फॉल्स नहीं है देयरफॉर ये फॉल्स नहीं होगा ट्रू होगा, दोनों फॉल्स नहीं है देयरफॉर ये ट्रू होगा। एक ही कंडीशन थी जहां दोनों फॉल्स था देयरफॉर ये फॉल्स था, अदरवाइज इन ऑल कंडीशन इट इज ट्रू। पी इंप्लाइज क्यू, ये स्टेटमेंट पैटर्न पी और क्यू का इंप्लीकेशन है। इफ पी देन क्यू है, यानी पी यहां हाइपोथेसिस है और क्यू क्या है कंक्लूजन है। और इंप्लीकेशन में हमको एक ही चीज याद रखनी थी, जब हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स होगा तब इंप्लीकेशन क्या रहेगा फॉल्स होगा। इन दोनों का इंप्लीकेशन है, हाइपोथेसिस ट्रू है कंक्लूजन ट्रू है, ये क्या रहेगा ट्रू रहेगा, हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स, इसी कंडीशन में वो फॉल्स होगा। हाइपोथेसिस फॉल्स है आंख बंद करके ट्रू रहेगा, हाइपोथेसिस फॉल्स है ये ट्रू रहेगा। हम देख रहे हैं ये स्टेटमेंट पैटर्न फोर्थ कॉलम में, इस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यूज का कॉलम फोर्थ है, इस स्टेटमेंट राइट साइड के स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू फिफ्थ कॉलम में, और दोनों कॉलम की एंट्रीज को अगर हम चेक करें तो दोनों कॉलम की एंट्रीज बिल्कुल आइडेंटिकल है। टी टी एफ टी टी सेम है, आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में जब p और q प्राइम कंपोनेंट ट्रू रहेंगे उस वक्त ये भी ट्रू रहेगा और ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न भी ट्रू रहेगा। जब प्राइम कंपोनेंट p ट्रू रहेगा और q फॉल्स रहेगा उस वक्त हमारे ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो फॉल्स रहेगा, उस वक्त ये स्टेटमेंट पैटर्न भी फॉल्स रहेगा। जब हमारा प्राइम कंपोनेंट p फॉल्स होगा और प्राइम कंपोनेंट q ट्रू होगा उस वक्त हमारा ये स्टेटमेंट पैटर्न ट्रू रहेगा, उस वक्त ये स्टेटमेंट पैटर्न भी ट्रू रहेगा, और जिस वक्त दोनों प्राइम कंपोनेंट फॉल्स होंगे उस वक्त ये स्टेटमेंट पैटर्न ट्रू रहेगा, उस वक्त ये स्टेटमेंट पैटर्न भी क्या रहेगा ट्रू रहेगा। तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे प्राइम कंपोनेंट्स के, दोनों ट्रू एक फॉल्स और दोनों फॉल्स, उनमें हमने उनको चेक किया, उन दोनों स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यूज आइडेंटिकल आई, देयरफॉर हम इन दोनों को क्या मानेंगे इक्विवेलेंस। नाउ आफ्टर इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट पैटर्न आवर फोर्थ पॉइंट इज टॉटोलॉजी। A statement pattern whose truth value are true in all possible combination of truth values of their prime component
फॉर एग्जाम्पल निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन विथ पी. अगर हम इस स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल बनाए, जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इसके प्राइम कंपोनेंट का वो लेके इस स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल बनाए, ट्रुथ टेबल के लास्ट कॉलम की सारी एंट्रीज अगर टी आएगी, हम इस स्टेटमेंट पैटर्न को क्या बोलेंगे, टॉटोलॉजी. और उस स्टेटमेंट पैटर्न को फिर हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे. इस स्टेटमेंट पैटर्न को स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, स्मॉल टी फॉर टॉटोलॉजी स्टेटमेंट पैटर्न. इसके ट्रुथ टेबल की बजाय एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं. पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज पी. इट इज ऑल्सो स्टेटमेंट पैटर्न, दैट मीन्स प्रोपोजिशन. स्टेटमेंट पैटर्न को प्रोपोजिशन भी बोला जाता है, ये एक प्रोपोजिशन स्टेटमेंट पैटर्न है. यहां दो प्राइम कंपोनेंट्स हैं, पी क्यू दो प्राइम कंपोनेंट्स हैं. पी क्यू इन प्राइम कंपोनेंट्स के तमाम पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज का कॉम्बिनेशन ले लें और फिर इस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू निकालें. फॉर एग्जाम्पल आपके इस स्टेटमेंट पैटर्न को हम डील कर रहे हैं, इसका तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन पी क्यू प्राइम कंपोनेंट, वहां दो प्राइम कंपोनेंट है पी और क्यू, उनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेते हैं. हो सकता है फर्स्ट स्टेटमेंट पी जो है वो ट्रू, सेकंड वाला सिंपल स्टेटमेंट सेकंड कंपोनेंट सेकंड प्राइम कंपोनेंट उसकी भी ट्रुथ वैल्यू ट्रू. हो सकता है पी कंपोनेंट जो है उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू और क्यू कंपोनेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो. हो सकता है पी की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो और क्यू ट्रू, और हो सकता है दोनों फॉल्स हो. ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन के अलावा कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है प्राइम कंपोनेंट्स की ट्रुथ वैल्यूज का. सबसे पहले ब्रैकेट को डील किया जाएगा, ब्रैकेट ब्रैकेट के बाद फिर बाहर का जो भी कॉम्बिनेशन है. पहले हम इसमें देखें क्यू का इंप्लीकेशन पी के साथ है, क्यू इंप्लाइज पी है, ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा. फिर पी का इंप्लीकेशन इस ब्रैकेट के साथ, पी का इंप्लीकेशन इस ब्रैकेट के साथ क्यू इंप्लाइज पी. हियर क्यू इज हाइपोथेसिस एंड पी इज कंक्लूजन. इन इंप्लीकेशन दैट मीन्स इफ टू प्राइम कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विथ इफ देन, देन इन दिस कंडीशन इफ क्यू that means hypothesis is true and p conclusion is false, then the truth value of this implication is false, otherwise in all condition it is true. q hypothesis hai, hypothesis true, conclusion false rahega tab statement ki truth value false rahegi. hypothesis true hai, conclusion ye false nahi hai, therefore ye true rahega. hypothesis false hai, therefore ये true रहेगा. hypothesis true है तो हमको चेक करना है conclusion false है क्या. हम देख रहे हैं hypothesis true है, conclusion p जो है वो false है, therefore यही एक condition है जिसमें implication false होगा. hypothesis ही false है तो आंख बंद करके ये true रहेगा. एक ही condition ऐसी थी जिसमें वो false था, और वो condition कौन सी, hypothesis q वो true हो और conclusion p वो false हो. hypothesis true, conclusion false, therefore इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स होगी. अब इस ब्रैकेट के आपके स्टेटमेंट का इंप्लीकेशन है पी के साथ, और पी किस तरीके से इंप्लीकेशन, पी का इंप्लीकेशन इस ब्रैकेट के साथ है. पी हाइपोथेसिस है, ये ब्रैकेट कंक्लूजन है. पी हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस ये, इसका इंप्लीकेशन इस कंक्लूजन के साथ है.
हाइपोथेसिस जब ट्रू होगी, कंक्लूजन फॉल्स होगा, तब ये स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगी, अदरवाइज इन ऑल कंडीशन ट्रू रहेगा। हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन ट्रू है, देयरफॉर ये ट्रू रहेगा। हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन ट्रू, देयरफॉर ट्रू रहेगा। हाइपोथेसिस ही फॉल्स है, आंख बंद करके ये ट्रू रहेगा। हम देख रहे हैं इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ सिंपल कंपोनेंट्स, दैट मीन्स प्राइम कंपोनेंट के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन में, ट्रूथ वैल्यूज के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन में इस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू कैसी है? ट्रू है। देयरफॉर इस स्टेटमेंट पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? टॉटोलॉजी स्टेटमेंट पैटर्न, और उसको स्मॉल टी से डिनोट किया जाएगा। इसी तरीके से इसका भी अगर ट्रूथ टेबल हम बनाए तब भी हमको क्या मिलेगा? ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा, और सिंपल है वो, दो रोज का टेबल होगा, दो रो के अंदर उसकी ट्रूथ वैल्यू निकल जाएगी, दोनों ट्रू आएगा। उसके बाद नंबर फिफ्थ है, टॉटोलॉजी के बाद नंबर फिफ्थ कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको फॉलेसी भी कहा जाता है। फॉलेसी अ स्टेटमेंट पैटर्न हूज ट्रूथ वैल्यू आर फॉल्स इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ देयर प्राइम कंपोनेंट्स, देन दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड फॉलेसी और कॉन्ट्राडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन विथ पी, ये स्टेटमेंट पैटर्न फॉलेसी स्टेटमेंट पैटर्न है, और फॉलेसी स्टेटमेंट पैटर्न को स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है, इसको हम स्मॉल सी से भी डिनोट कर सकते हैं। चलो देख लें ट्रुथ टेबल के साथ ही से चेक कर लें। प्राइम कंपोनेंट एक ही है, सिर्फ पी, इस स्टेटमेंट पैटर्न में एक ही प्राइम कंपोनेंट है, पी। अब इस प्राइम कंपोनेंट की पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज जितनी हैं, उस पे इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू हमको चेक करना रहेगी, और पी की सिर्फ दो ही पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज हो सकती है, या तो स्टेटमेंट वो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, उसके अलावा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता उसका। तो हम देख रहे हैं इसके ट्रूथ वैल्यू सिर्फ या तो टी रहेगी या तो एफ रहेगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर स्टेटमेंट पी ट्रू रहा तब इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हमको चेक करना रहेगी, अगर ये फॉल्स रहा तब इसका स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू हमको चेक करना रहेगी। अगर दोनों कंडीशन में फॉल्स आया तो इस स्टेटमेंट पैटर्न को फॉलेसी या कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। अभी हम देख रहे हैं यहां पे निगेशन भी है और कंजंक्शन भी है, प्रियोरिटी के हिसाब से हम इसको किसको जो है तरजीह देंगे, प्रियोरिटी किसको देंगे? निगेशन को, फिर उसके बाद उसका कंजंक्शन। तो कंजंक्शन भी एंड से भी जोड़ा गया, निगेशन भी किया गया उसका, तो पहले निगेशन सॉल्व होगा फिर कंजंक्शन होगा। तो निगेशन किसका है? पी का। पी का निगेशन पहले किया जाएगा, फिर उसके बाद कंजंक्शन है, निगेशन ऑफ पी जो आया उसका कंजंक्शन पी के साथ है, तो निगेशन ऑफ पी का कंजंक्शन पी के साथ। और ये हमारे स्टेटमेंट पैटर्न है, ये स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल होगा। निगेशन ऑफ पी, पी का निगेशन, टी का निगेशन क्या रहेगा? एफ। एफ का निगेशन क्या रहेगा? टी। अब इन दोनों का कंजंक्शन है, कंजंक्शन में हमें याद रखना है, कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू रहेगा तभी ट्रू रहेगा। इन दोनों का कंजंक्शन है, दोनों ट्रू नहीं है, देयरफॉर ट्रू नहीं हो सकता। ये दोनों ट्रू नहीं है, देयरफॉर ट्रू नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं दोनों पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू जो हमारे प्राइम कंपोनेंट पी की थी, उन दोनों पॉसिबिलिटीज पे इस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू सिर्फ फॉल्स ही आ रही है। दैट मीन्स हर कंडीशन में पी की ट्रूथ वैल्यू की कोई भी कंडीशन हो, हर कंडीशन में इस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ रही है। देयरफॉर ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या कहलाएगा? फॉलेसी
और उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं इस स्टेटमेंट पैटर्नों को जो फॉलोसी होता है। उसके बाद नंबर सिक्स है कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी आई स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नाइदर टॉटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, देन दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड एज कॉन्टिंजेंसी। एक ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न, ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट जो ना तो टॉटोलॉजी हो ना तो कॉन्ट्राडिक्शन हो, तो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्नों को क्या बोलेंगे? कॉन्टिंजेंसी। फॉर एग्जाम्पल पी कंजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय क्यू, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन विथ क्यू, ये सब के सब कॉन्टिंजेंसी स्टेटमेंट पैटर्न है। हम कोई कभी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करें, आप कोई कभी ट्रुथ टेबल बनाएं और प्राइम कंपोनेंट्स की ट्रुथ वैल्यूज की जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकती है वो सारे ले लें और उस पे इस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू निकालें, तो हम देखेंगे इस स्टेटमेंट के ट्रुथ वैल्यूज का कॉलम में पूरा पूरा टी नहीं दिखाई देगा, दैट मीन्स वो टॉटोलॉजी नहीं होगा, पूरा पूरा एफ भी नहीं दिखाई देगा, दैट मीन्स वो फॉलिसी भी नहीं होगा, यानी टी और एफ मिक्स होगा, दैट मीन्स वो कॉन्टिंजेंसी होगा। किसी को भी हम ले लें, ये दो का तो टेबल हम तो पहले देखे ही है, हमने ट्रुथ टेबल इसका बनाया है एंड का, और इफ देन का भी ट्रुथ टेबल हमने बनाया, इम्प्लीकेशन में हमने इफ देन का ट्रुथ टेबल बनाया, हम इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। दो इसके अंदर इसे हम डील कर रहे हैं, यहां दो प्राइम कंपोनेंट्स हैं, एक पी है एक क्यू है, निगेशन भी है डिसजंक्शन भी है, हमें पहले निगेशन करना है, निगेशन पी का है, पी का निगेशन लेंगे, फिर पी का निगेशन जो है उसका डिसजंक्शन क्यू के साथ करना है, निगेशन ऑफ पी का डिसजंक्शन क्यू के साथ। पी और क्यू दो प्राइम कंपोनेंट्स है, पॉसिबिलिटीज इनकी ट्रुथ वैल्यूज की क्या क्या है, हो सकता है दोनों ट्रू हो सकता है, पहले वाला ट्रू हो पी और क्यू जो है फॉल्स हो सकता है, पी फॉल्स हो और क्यू ट्रू हो सकता है, दोनों फॉल्स हो, इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इनकी ट्रुथ वैल्यूज के, हर कॉम्बिनेशन में हम इस हमको इस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू निकालना। जब दोनों ट्रू रहेगा तब क्या होगा, जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तब क्या होगा, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तब क्या, दोनों फॉल्स तब क्या, निगेशन ऑफ पी है पी का निगेशन, निगेशन ऑफ पी टी का निगेशन क्या रहेगा, एफ टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी, इन दोनों का निगेशन ऑफ पी और क्यू, इन दोनों कॉलम्स का हमको क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स का हमें डिसजंक्शन करना है, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन में हमें याद रखना है, डिसजंक्शन में जब दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स नहीं है देयरफॉर फॉल्स नहीं रहेगा, दोनों फॉल्स है देयरफॉर फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स नहीं है देयरफॉर फॉल्स नहीं रहेगा, दोनों फॉल्स नहीं है देयरफॉर फॉल्स नहीं रहेगा, यही दोनों फॉल्स था इसलिए फॉल्स। हम देख रहे हैं इस स्टेटमेंट पैटर्न में पूरा पूरा टी नहीं है, ये तीन टी है तो ये एक अकेला फॉल्स है, ये फॉल्स है बाकी सब ट्रू है, यानी सब के सब ट्रू नहीं है देयरफॉर टॉटोलॉजी नहीं है, सब के सब एफ नहीं है देयरफॉर फॉलेसी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है देयरफॉर ये ना तो टॉटोलॉजी है ना तो कॉन्ट्राडिक्शन है, देयरफॉर इस स्टेटमेंट पैटर्न को क्या बोलेंगे, कॉन्टिंजेंसी, पूरा मिक्स है, कुछ टी है कुछ एफ है, कुछ की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आई है कुछ कॉम्बिनेशन की और कुछ कॉम्बिनेशन की ट्रुथ वैल्यू ट्रू आई। तो इन तमाम के बाद अब हमारी एक्सरसाइज रहेगी, तो
अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है।